Yes. So, students, Sanji, welcome all back. Okay, so we finished doing female reproductive system of humans, right? Now, मैंने आपको फोटो भेज दी है। ठीक हाँ जी, वो मैंने देख लिया बेटा, आप डिफरेंसेस की भेज देना थोड़ी देर में. ओके, तो देखिए, अब एज यू ऑल नो कि इंडिया इज हैविंग अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, राइट? हमारी जो पॉपुलेशन है दैट वर्ल्ड नंबर टू, एंड स्लोली, आई थिंक स्लोली क्या, वेरी क्विकली टर्निंग इनटू नंबर वन प्लेस. सो देखिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन रियल सेंस इट इनवाइट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट? आपको जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए हैं, राइट? उतनी ज्यादा जॉब्स चाहिए हैं, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, उतना आपके पास फूड रिसोर्सेज होने चाहिए. सो एवरीथिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है. उतने ही घर चाहिए हैं, उतने स्कूल होने चाहिए, उतना ही जॉब सेक्टर आपका डेवलप होना चाहिए, फैसिलिटीज उतनी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, राइट? सो वो सारी चीजें को एकदम से संभालना इज नॉट डिफिकल्ट, इज नॉट सो इजी, राइट? तो क्या है कि द गवर्नमेंट इज पेइंग स्ट्रेस ऑन द बर्थ कंट्रोल, राइट? बर्थ कंट्रोल जो है, इट्स अ वेरी टॉपिक, इट्स अ वेरी टची टॉपिक, जिसमें पीपल हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट थिंकिंग. ऑब्वियसली वी वोंट बी डिस्कसिंग दैट थिंग, बट आई जस्ट वांट टू डिस्कस कि जो बर्थ कंट्रोल है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करने के पीछे जो इंडिया में स्पेशली कुछ फैक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अनएजुकेशन, प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड, फीमेल फेमिसाइड, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, फीमेल गर्ल चाइल्ड, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो पॉपुलेशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है इसका. देखिए, अब फीमेल चाइल्ड जब भी लाइक फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, सो मेनी डिकेड्स आप लगा सकते हो, फीमेल्स का क्या रहता है, गर्ल चाइल्ड है, हम सबको पता है, गर्ल इज बीइंग मैरिड, और उस जब वो मैरिज होती है, यू हैव टू गिव डॉरी, एंड देन उससे पहले आप एजुकेशन पे पैसा लगाते हो, उसके बाद भी लाइक एवरीवेयर, इट्स नॉट द सर्कमस्टेंसेस जो हम अपने घरों में देखते हैं, इट इज नॉट द सेम. लाइक वी आर सो प्रिविलेज्ड टू हैव सो गुड हाउसहोल्ड्स जहाँ पे आपको पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है, बट इन सम प्लेसेस इन इंडिया इट इज नॉट द स्टोरी, इट इज नॉट द सेम स्टोरी. द स्टोरी इज वेरी टेरिबल, इट्स वेरी पिटेबल. द गर्ल्स हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज सम पीपल इन आर सोसाइटी दे जस्ट डिमांड सम मनी तो नहीं कहना चाहिए, लॉट ऑफ मनी फॉर यू नो मैरिंग देम. और ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, एंड इट हैज डिस्टर्ब द सेक्स रेशियो ऑफ आर कंट्री, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स जो है वो एग्रवेट हो रही है. उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, बट वो एग्रवेट हो रही है प्रॉब्लम. तो होता क्या है, एक प्रॉब्लम के चलते दूसरे प्रॉब्लम्स जो है वो निखर निखर के आ रही है. जैसे कि अगर फीमेल्स का यू नो फीमेल्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर एक पर्सन है, अगर अर्निंग हैंड इज सिंगल, तो वो क्या करेगा, ही विल थिंक ओवर कि नहीं यार, मेरा अगर एक बॉय होगा तो मेरे साथ वो काम में हाथ बटाएगा. अब ही इज राइट इन हिज ओन टर्म्स, राइट? लेकिन जब व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग, तो अगर वो फीमेल चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट विल दे डू, दे विल जस्ट वाइप ऑफ दैट फीमेल चाइल्ड. इसे बोलते हैं फीमेल फेमिसाइड. आप फेमिसाइड को मार रहे हो, फीमेल को मार रहे हो, तो वो चीज और ट्रबल दे रही है, वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है. आप क्योंकि इट्स नॉट लीगल इन आर कंट्री, आप लीगली ये नहीं कर सकते, तो क्या हो रहा है, अंडर द टेबल हो रहा है सब कुछ, इलीगल हो रहा है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है. उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. एक तो मैंने आपको बताया सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, दूसरी जो फीमेल हेल्थ है इट गेट्स डिटोरिएटेड, क्योंकि इलीगल चीज हो रही है. ऑब्वियसली उसमें समटाइम्स दे डोंट टेक केयर ऑफ द स्टरलाइजेशन प्रोसेसेस. आपका जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उनको स्टरलाइज नहीं कर रहे हो प्रॉपर, आपके पास टाइम नहीं है करने का, आप खुश खुश तरीके से कर रहे हो. सो वो चीजें दे आर क्वाइट अलार्मिंग. काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है. और आप, आई डोंट नो यू रीड न्यूज पेपर्स और नॉट, एवरी सिंगल डे और द अदर डे यू हैव अ स्टोरी लाइक दिस, सो इट इज क्वाइट डिस्टर्बिंग. तो वी शुड बी ऑल एजुकेटेड. हमें ये मालूम है दैट फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. उसको फीमेल को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज फीमेल इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम व्हिच हैज गॉट एक्स एंड एक्स, राइट? इट इज द मेल व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्स, राइट? एक्स एंड वाई. व्हेन वाई इज देयर ओनली देन द चाइल्ड विल बी अ मेल. हाउ कैन अ चाइल्ड बी मेल विद हैविंग एक्स ओनली, राइट? एक्स एक्स यू गेट फ्रॉम फीमेल. ये हम करेंगे हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में. लेकिन हमारी सोसाइटी में इट इज देयर इन द माइंड दैट फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. नो, इट इज द मेल हु इज रिस्पॉन्सिबल. एक्चुअली साइंटिफिकली अगर आप देखते हो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेल.
सो ये प्रॉब्लम्स हैं. तो ऑब्वियसली अब देखिए अब क्या है बर्थ कंट्रोल में क्या आता है, दे आर द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जिसमें आपको यू हैव टू स्टॉप दैट प्रेगनेंसी, राइट. आप उसको कंट्रोल कर रहे हो सो दैट जो पॉपुलेशन है इट्स बीइंग कंट्रोल्ड. तीन टाइप के मेथड्स हैं जिन्हें हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स में इंडिया में फॉलो किया जाता है. वन इज योर बैरियर मेथड, अदर इज केमिकल एंड द सर्जिकल. देखिए अब मैंने आपको हमने अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ा, हमने ये देखा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हाउ दैट जायगोट गेट्स इम्प्लांटेड, राइट. अब कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे अगर हम स्टॉप लगाएं तो स्पर्म और जो ओवम है उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, राइट. अगर वो मीट ही नहीं करेंगे तो फ्यूजन कैसे होगा. फर्स्ट मेथड आपका किस पे बेस है, दैट इट डजंट लेट स्पर्म एंड ओवम टू फर्टिलाइज. क्लियर हो गया, वो उनको कॉन्टेक्ट में ही नहीं आने देता. सो इट डज नॉट ब्रिंग स्पर्म एंड ओवम इन टू कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. सो देर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द गैमेट सेल्स, राइट. जब कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली देर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. सो इसमें फिजिकल डिवाइसेज यूज होते हैं जैसे कि कॉन्डोम्स. ये क्या करते हैं, दे विल प्रिवेंट द स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग ओवम एंड दे विल एक्ट एज बैरियर्स. और इनका सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहता है बैरियर मेथड का, दैट इज दे हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एसटीडीज. व्हाट आर एसटीडीज, एसटीडीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो एसटीडी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, राइट. ये भी दे आर अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ बिकॉज देखिए एक तो इनका जो मोड ऑफ ट्रांसफर है दैट इज क्वाइट इट्स नॉट ओपनली डिस्कस्ड इन आवर सोसाइटीज. तो काफी लोग आउट ऑफ शाइनेस दे डोंट गो फॉर ट्रीटमेंट. सो इट रियली यू नो एम्बैरेसेस देम एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम क्योंकि हेल्थ तो इससे सफर करती है. अब इसमें मेन हमारे को तीन टाइप की डिजीजेस देखने को मिलती हैं. वन इज गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स. एड्स हम सबने सुना हुआ है, इट्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इट्स अ वायरल डिजीज, एचआईवी वायरस से होता है. तो ये आपने फुल फॉर्म्स जो है इनकी याद रखनी है. अब ये जो सिफिलिस और गोनोरिया है दीज आर बैक्टीरियल एसटीडीज. ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये वन मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेम सम बैक्टीरियल एसटीडीज, तो कौन सी आएंगी बेटा, इट इज गोनोरिया एंड सिफिलिस. ओके, इनमें जो ज्यादातर एसटीडीज होते हैं उसमें व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स देखे जाते हैं, दैट इज बर्निंग सेंसेशन एट यूरिनेशन. जब यूरिन पास करते हैं तो यू गेट tend to get the burning sensation, then jo genital organs hote hain, the private organs, wahan pe kafi sores ho jate hain, right. So ye aapke aate hain jo hamare STDs hain, right. STDs aapko dhyan ho gayi, bacterial ho gayi, viral ho gayi and hamare ko barrier method clear ho gaya. Next method in turn is chemical method. Dekhiye chemical, as you know, ab naam hi bata raha hai yaar, kuch na kuch chemical ka locha hoga, right. Kind of chemistry word, right. तो ये जो केमिकल का लोचा है ये दो टाइप का किया जा रहा है. कैसे किया जा रहा है, या तो वेजाइनल पिल्स ली जाती हैं या फिर ओरल पिल्स ली जाती है. अब इनके बारे में डिटेल देखते हैं. देखिए जो ओरल पिल्स हैं दे आर बेसिकली हॉर्मोन्स, ठीक है. इन्हें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं, ओसीज, राइट. शॉर्ट फॉर्म्स होती है इसकी ओसीज, तो इट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है. ये फीमेल्स लेते हैं और इसमें क्या है बेटा जी, दे आर एक्चुअली हॉर्मोन्स. और इनका काम क्या है, दे विल स्टॉप द रिलीज ऑफ ओवम इनटू ओविडक्ट, राइट. ओवम का रिलीज ही स्टॉप कर देते हैं. क्लियर हो गया. सो दिस इज ओवम का रिलीज स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब ओवुलेशन जो है वो स्टॉप हो गया, राइट. ओवुलेशन तो नहीं, ओवुलेशन हो रहा है लेकिन आपका जो ओविडक्ट तक पहुंचना होता है ना वो नहीं हो रहा. सो जब वहां पे ओवम ही नहीं है, स्पर्म आके क्या करेगा, फर्टिलाइज तो कर नहीं सकता बिकॉज यू नीड टू हैव बोथ द गैमेट सेल्स. अब इसमें जो ड्रॉबैक है ओरल पिल्स का, ऑल्दो इट इज मोस्ट कॉमनली फॉलोड, सेकेंड नंबर पे है ये, फॉलो किया जाता है इंडिया में, लेकिन इसका ड्रॉबैक्स काफी हैं, साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं, जैसे नौशिया रहता है, वेट गेन हो जाता है और भी कई सारे ऐसे इफेक्ट्स आते हैं विच आर नॉट यू नो, फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे, आपकी स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है. सो लेकिन अब ऑब्वियसली देर इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो उसकी वजह से पिल्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. सेकेंड टाइप ऑफ पिल्स आर वजाइनल पिल्स. अब इन ये जो वजाइनल पिल्स होते हैं दे आर प्लेस्ड इन वजाइना जहाँ पे स्पर्म ने एंट्री करनी है. सो अगर हम उस स्पर्म को खत्म कर दें तो ऑब्वियसली इट विल नॉट रीच ओविडक्ट, तो वो ओविडक्ट नहीं पहुंचेगा. सो उनको किल करने के लिए यू हैव स्पर्मिसाइड्स. ये स्पर्मिसाइड्स दे आर प्रेजेंट इन वजाइनल पिल्स, ये क्या करेंगे, दे विल किल द स्पर्म्स एंड देयर बाय देयर विल बी नो गैमेट सेल इन द ओविडक्ट, तो ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता. क्लियर है. एक आता है आपका IUCD. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो एक्सपेंशन है वो याद कर लेना, विच इज इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. इट इज बेसिकली कॉपर टी
और ये यूट्रस में रखा जाता है, इट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस. व्हाट इट डज एंड जो इसकी प्लेसमेंट है वो एक डॉक्टर या फिर एक एक्सपीरियंस नर्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं. राइट, इट विल प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन. मैंने आपको बताया था जो फर्टिलाइज एग होगा मतलब कि द जायगोट, इट कैन नॉट ग्रो इन एयर, वो एयर में ग्रो नहीं करता बिकॉज इट नीड्स टू हैव नरिशमेंट. उसको नरिशमेंट भी चाहिए है, उसको ऑब्वियसली उसको चीजें चाहिए हैं. इट नीड्स टू एक्सचेंज द मटेरियल्स, ग्रो करना है उसने, तो ऑब्वियसली इट नीड्स टू हैव सम साइट. वो साइट कौन प्रोवाइड करता है? यूट्रस. तो अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो जायगोट विल डाई. राइट, तो कॉपर्टी यही करता है. कॉपर्टी इट डज नॉट अलाउ दैट जायगोट to get implanted. The implantation पे full stop लगा देता है, thereby preventing the pregnancy. Next is your surgical methods. ये आपके दो तरह के होते हैं. Surgically मतलब हम यहाँ पे surgery कर रहे हैं, but it's a very minor surgery और दोनों में होती है, males में भी होती है, females में भी होती है. Males में it is called vasectomy और उसमें females में it is called tubectomy. अब vasectomy मतलब vas deferens को cut करके ligate कर देते हैं, मतलब जो sperm produce हो रहा है, आगे आ रहा है, वो पहुंचे ही ना, बाहर ही ना निकले. Right? There in males, और ये बहुत minor operation होता है. आप इसके बाद अच्छा भला you are fit and fine, right? Then you have tubectomy. Tubectomy females में होता है. इसमें जो oviducts के ends होते हैं, उसको cut करके ligate कर देते हैं. तो क्या होता है? जो ovary से ovum release हो रहा है, it is not reaching the oviducts. Clear है मेरी बात? दोनों जो ये surgeries हैं, अब government इनके ऊपर काफी encourage कर रही है लोगों को. They should come forward if they have two kids, so they can come forward and carry on the surgery so as so as not to increase the human population. So, अब आपको ये chapter हो गया clear. We have finished full chapter. Now, I hope you are clear with everything. You are clear with the birth control methods जो हमने इस topic में, इस video में किए हैं. In case you have any doubt, you can text me, you can WhatsApp me. आप पूछ लेना मेरे से. लेकिन ये है, doubts को मत रखना. ठीक है?